जब बुआ जी के यहाँ मैंने शनाया को बोला कि तू चल, तो वो तुरंत उठ कर आ गई, क्योंकि वो तुझसे छोटी है फिर भी तुझसे ज्यादा दिमाग रखती है। लेकिन तेरे जू नहीं रहेंगी, तेरे समझ में ही नहीं आए। तू वहीं खड़ी रही, वहीं देखती रही, उस घर की दीवारें निहार रही थी कि लोगों को निहार रही थी। ऐसा क्या बसता है तेरा उस घर में जो तू उस घर के लोगों के पीछे दीवानी हुई पड़ी है? जब शनाया उठ के चली आई थी तो तू इशारा नहीं समझी मेरा, उठ के तू भी चली आती। माँ, लेकिन मैं वहाँ पर सिर्फ रुकी तो थी, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? वाह, क्या गलत कर दिया? अब तू मेरी अम्मा बनने की कोशिश कर रही है? हाँ, याद रख पलकी, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ। अगर माँ कुछ करने को कहती है अपनी बेटी से और बेटी नहीं करती है, तो वही सबसे बड़ी गलती करती है। अगर शनाया उठ के चली आई थी तो तू भी चुपचाप से इशारा समझती हो घर आ जाती। माँ, मैं इसीलिए रुकी थी वहाँ पर क्योंकि मैं राजवीर से बात। राजवीर, राजवीर, राजवीर! पागल कर दिया उस लड़के ने, इतना सर पर चढ़ा कर रख दिया तूने उस दो फौड़ी के लड़के को कि वो क्या कोई लूथरा है? माँ, वो लूथरा नहीं है तो क्या हो गया? आप बार बार राजवीर के लिए ऐसी बातें क्यों कहती हैं? तू मुझे बताएगी पलकी, अपनी माँ को तू बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, किससे कैसी बात करनी है? राजवीर दो कौड़ी का लड़का है, वो लूथरा क्या नौकर है? नौकरी बजाता है उनकी, समझे कि नहीं? तू क्या हो गया माँ, हर कोई नौकरी करता है, हर कोई जॉब करता है, सबके बॉस होते हैं, कम से कम वो अपनी मेहनत से तो पैसे कमा रहा है ना? वाह, पैसे कमा रहा है, बड़े घर में जाता है और खुद को बड़ा ऑफिसर समझने लगता है, खुद को लूथरा समझने लगता है कि नहीं? और फिर दूसरी लड़कियों को प्रपोज कर देता है। जब उसने तुझे प्रपोज किया था तो वो लूथरा हाउस में था ना, वो दारू पी के शराब पी के उसने तुझे प्रपोज किया था, और मैं बेचारी चुपचाप वहां पर खड़ी नहीं, कुछ नहीं बोल पाई, और लूथराओं ने तेरा और राजवीर का रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन याद रखना, वो लड़का दो कौड़ी का है और मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। माँ प्लीज, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप बार बार राजवीर को दो कौड़ी का कहना बंद कर दीजिए। वो अपने बलबूते पर काम करता है, अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, और वो लूथराज उसे ऐसे खैरात के पैसे नहीं देते हैं माँ, वो उनकी कंपनी के लिए प्रॉफिट करता है, वो एक अच्छा एम्प्लॉई है इसीलिए उसे पैसे मिलते हैं, वो मेहनत से कमा रहा है। बड़ी मेहनत से कमा रहा है, लेकिन जो भी पैसे घर कमा कर लाता है कहाँ के लाता है? लूथरा हाउस के ही तो लाता है, वही की तो चाकरी बजाता है कि नहीं? तू ना मेरी बात को काटने की कोशिश मत कर, और जो मैं कहती हूँ वैसे ही कर। तेरे बाबूजी ने ना तुझे बहुत सर पर चढ़ा रखा है, लेकिन याद रखना पलकी, जो बात गलत है वो गलत है। ओ गॉड, मम्मा, ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? किस बात की लड़ाई है? क्या हो क्या रहा है? चुप कर तू, जब तुझे समझ में नहीं आ रहा छोटंकी, तो तुझे बीच में कूदने की जरूरत क्या है? ये मेरे और पलकी के बीच की बात हो रही है, समझ में आया? तू उसमें बीच में मत ही कूद तो अच्छा है। देखा नहीं कैसी पागल हुई जा रही है, झल्ली हुई जा रही है उस राजवीर के पीछे? माँ प्लीज, अब बस कीजिए, आप कितना कह रही है राजवीर को, मैं अब उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। वो कुछ लगता है मेरा। अच्छा, लगता था, अब नहीं लगेगा। माँ, मेरा रिश्ता है उससे। रिश्ता था, अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरा रिश्ता तोड़ दूंगी। मामा, ये आप क्या बोले जा रहे हो? तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? तूने कान खोलकर सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं इसका और राजवीर का रिश्ता तोड़ दूंगी। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।